नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज के दिन आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। देखो, आज का जो हमें देखने मिला मार्केट का परफॉर्मेंस, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, जो कि बैंक निफ्टी की जैकपॉट एक्सपायरी की वीडियो मैंने बनाई थी। और बिल्कुल आज मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कल के दिन मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, वरना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग मिस करते रहोगे और अपना प्रॉफिट जो है वो गवाते रहोगे। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी वीडियो को तीन कैटेगरी में बांटता हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को देता हूं मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस, उसके बाद ऑप्शन चेन की एनालिसिस, और लास्ट में एफआईआई और डीआईआई का डेटा देके वीडियो को एंड करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस देने जा रहा हूं, जिसमें हम 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 डे चार्ट की, तो 1 डे के चार्ट में आज हमें बैंक निफ्टी में क्या दिखाई देता है। देखो, 1 डे के चार्ट में आज एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई दिया है बैंक निफ्टी में, जिसे देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो एकदम से आ चुका है। मतलब यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिविटी ही देखने मिलेगी, जिस तरीके से मार्केट का हमें परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। अभी यहां पर आप देखोगे आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% जितना यहां पर अपट्रेंड देखने मिला, 384 पॉइंट का हमें गेन देखने मिला है बैंक निफ्टी में। जो आज की हमें कैंडल देखने मिली है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने मिली है, जिसने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। साथ ही साथ हमें वॉल्यूम भी काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है बैंक निफ्टी के लिए, वो 48,340 रहने वाला है, जो मुझे लगता है कल के दिन बहुत आराम से बैंक निफ्टी से ब्रेक कर लेगा और कल के ही दिन हमें एक ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। देखो, कल के दिन कितना हाई हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहो। उसके बाद अगर हम बात कर ले 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 आवर के चार्ट की एनालिसिस इसलिए की जाती है क्योंकि यहां से आपको मार्केट का स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है। आपको यहां से एक चीज जो मालूम पड़ती है वो ये है कि मार्केट में क्या इतना स्ट्रेंथ है कि यहां पर एक बड़ा इंपल्सिव मूव हमें देखने मिल सकता है या नहीं। क्योंकि अगर इंपल्सिव मूव नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जल्दी किसी का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि टाइम डीके भी नाम की एक चीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है ऑप्शंस बायर के लिए। और वैसे भी कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो टाइम डीके बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहने वाला है ऑप्शंस बायर के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पर आप देखोगे लास्ट की जो हमें कैंडल देखने मिली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी छुपा हुआ है। यहां पर आप देखोगे कि एक बड़ा इंपल्सिव मूव हमें देखने मिला था, जिसने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जिसके बाद क्या हुआ यहां पर कंटिन्यू कंसोलिडेशन फेज था और लास्ट के 2 घंटे में मतलब एक बड़ा गिरावट आया, जिसके बाद वापस से हमें एक रिकवरी देखने मिली लास्ट के 1 आवर में, जहां पर हमें वॉल्यूम भी थोड़े बहुत कम देखने मिले, पर फिर भी ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहां पर रिट्रेसमेंट हुआ, जिसके बाद वापस से एक हमें पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने मिली है 1 आवर के चार्ट की। देखो, ये जो हमें रिट्रेसमेंट देखने मिलता है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है एंट्री लेने की, जो लोग भी एंट्री नहीं ले पाए हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एक बड़ा इंपल्सिव मूव, फिर कंटिन्यू कंसोलिडेशन, फिर एक इंपल्सिव मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक इंपल्सिव मूव, फिर एक कंसोलिडेशन। मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है जिसके वजह से आप प्रॉफिट बना सको मार्केट में। तो 1 आवर के चार्ट पर जो एनालिसिस के बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छा स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी का, जिसके वजह से कल के दिन एक बड़ा इंपल्सिव मूव हमें जरूर देखने मिलेगा और बहुत ही जल्द कल के दिन मतलब फर्स्ट हाफ में 48,340 को कल के दिन बैंक निफ्टी ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई देगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक जा सकता है। देखो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद अगर हम बात कर ले 15 मिनट के चार्ट की, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा वर्कफुल रहेगा कल के लिए। देखो, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं और मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में बताता हूं। यहां पर आप देखोगे एक लाइन आप लोगों को दिख रही होगी ब्लू कलर की, मैं हमेशा ट्रेड इस लाइन के ऊपर ही लेता हूं। मतलब ये मेरा एक 30-day सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि मैं बस लगा के बैठ जाता हूं और मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, पहला आपको अपना इंपॉर्टेंट टारगेट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मालूम रहना चाहिए, उसके बाद दूसरा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव साइड है तो मुझे ट्रेड जो है वो पॉजिटिव साइड ही लेना है, फिर चाहे सिग्नल कुछ भी हमें देखने मिले, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो आप मार्केट में नहीं चल पाओगे। यहां पर आप देखोगे कि पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, जिसके बाद
आज के दिन हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिली अपने 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। देखो यहाँ पर एक लो भी बना था, अपने 30 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक भी कर दिया था, पर जो हमें क्लोजिंग देखने मिली कैंडल की वो उसके ऊपर ही देखने मिली, जिसके बाद आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इंपल्सिव मूव हमें देखने मिला और उसके बाद रिट्रेसमेंट देखने मिला, जैसा कि कल के दिन मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल ठीक उसके बाद वापस से हमें एक इंपल्सिव मूव, फिर कंटिन्यू कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद गिरावट और लास्ट में जो क्लोजिंग हमें देखने मिली वो अपने इंपॉर्टेंट 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही देखने मिल गई है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के दिन आपको एक गैप अप ओपनिंग जरूर देखने मिल सकती है और 48,340 के आसपास हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने मिल सकता है। अगर यहां से रिजेक्शन हुआ तो एक बड़ी गिरावट देखने मिलेगी और 30 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट बनता हुआ देखने मिलेगा बैंक निफ्टी का। पर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो क्या होगा, देखो अगर कल के दिन इसको ब्रेक कर देता है तो एक नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा बैंक निफ्टी का, जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 48,672 का ही बनाया है। मतलब कल के दिन अगर 48,340 को ब्रेक करता है तो 48,672 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाई देता है, देखो जिस तरीके का आज ऑप्शन चेन मुझे देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में, ऐसा अमूमन हमें देखने मिलता नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसके बाद भी हमें जो पुट साइड देखने मिल रहे वो ऑलमोस्ट 51 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने मिल रहे हैं, वहीं पर जो हमें कॉल साइड देखने मिल रहे वो ऑलमोस्ट 42,92,000 के आसपास हमें देखने मिल रहे हैं। मतलब यहां पर एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है, जिसके वजह से कल के दिन एक बड़ा इंपल्सिव मूव जरूर देखने मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जैसा कि आप सबको पता है 47,500 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, पर उससे भी पहले इनिशियली अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप यहां पर देखते हो तो इतने ज्यादा हमें कॉल राइटर देखने मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहां पर आप देखोगे 47,900 पे ऑलमोस्ट 5.5 लाख के आसपास हमें पुट राइटर देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए। पर अगर इसको ब्रेक करता है तो 47,800 एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब ओवरऑल जो पिक्चर है यहां पर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है पुट साइड अगर हम कंपेयर करते हैं कॉल साइड के साथ। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जैसा कि आप सबको बताया 48,000 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि यहां पर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस तो किया था पर उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक प्रेशर देखने मिला 48,000 के पास, जिसके वजह से हमें रिजेक्शन देखने मिला मार्केट में और जो हमें क्लोजिंग देखने मिली वो उसके नीचे देखने मिली है। तो 48,000 जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, पर अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो 48,300 के बाद 48,600 बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या लगता है, देखो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि निफ्टी में पॉजिटिविटी नहीं है, जो आज हमें निफ्टी में पॉजिटिविटी देखने मिली वो एक रिफ्लेक्शन था बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी में कल के दिन पॉजिटिविटी रहेगी तो 100% निफ्टी अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और 22,700 के आसपास हमें ये देखने मिल सकता है। पर शर्त यह है कि बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए, पर जिस तरीके से आज हमें रिजेक्शन देखने मिला है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन यहां पर कंसोलिडेशन फेस हमें देखने मिल सकता है, साथ ही साथ एक इंपल्सिव मूव भी देखने मिल सकता है, पर जो ज्यादा चांसेस है वो कंसोलिडेशन फेस का है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया उसके पहले ही वहां से हमें रिजेक्शन देखने मिल गया। मतलब 48,200 के आसपास ये बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन हमें देखने मिला है बैंक निफ्टी में, जिसके वजह से कल के दिन यहां पर एक कंसोलिडेशन फेस बनेगा और मार्केट का कल का जो पूरा कारोबार रहने वाला है वो कंसोलिडेशन फेस में ही रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर ले 1 आवर के चार्ट की निफ्टी पे, तो 1 आवर के चार्ट में यहां पर आप देखोगे जो हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है मार्केट का वो पॉजिटिव तो देखने मिल रहा है, पर यहाँ पर टेंशन लेने वाली एक बात है कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच किया, जिसके बाद यहाँ पर एक डॉजी टाइप कैंडल का हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है काफी कम वॉल्यूम के साथ। मतलब एक अच्छा मोमेंटम था, अच्छा इंपल्सिव मूव हमें देखने मिला 3 कैंडल में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ, पर लास्ट की जो हमें कैंडल देखने मिली मतलब जब मार्केट क्लोज होने वाला था वहां पर जो हमें मोमेंटम देखने मिला मार्केट का वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने मिला, जिसके वजह से हमें डॉजी टाइप कैंडल की क्लोजिंग देखने मिली। अगर कल के दिन इसको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल या सेकंड 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज कल के दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस हमें देखने मिल सकता है, साथ ही साथ गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो अगर गिरावट देखने मिलती है तो 22,300 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट रहने वाला है निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले 15 मिनट के चार्ट की, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं। देखो अगर कल के दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है या मार्केट में फर्स्ट हाफ में अगर गिरावट होती है
और 30 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी सपोर्ट लेता है तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम बनेगा एंट्री लेने का, और 22,400 के आसपास का आपको टारगेट रखना है। देखो यहाँ पर दो इनिशियली सपोर्ट है, जो पहला सपोर्ट यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है वो 24,400 बन रहा है, पर अगर उसको ब्रेक करता है तो 22,350 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है निफ्टी के लिए, क्योंकि वो 30 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिरावट हुई तो वहां पर 100% सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई देगा निफ्टी। उसके बाद अगर हम बात कर ले ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में उतना कुछ खास है नहीं यहाँ पर, कल यहाँ पर एक्सपायरी हमें देखने मिलने वाली है, ज्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट जो हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं वो पुट साइड देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम कल के दिन देखने मिल सकता है, पर कल के दिन मार्केट ओपन होते ही ये सारे नंबर जो है वो चेंज होते हुए हमें दिखाई देंगे। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ओआई चेंजेस। देखो ओआई चेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में, अगर आपको मार्केट का स्ट्रेंथ समझना है, अगर आपको मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम समझना है। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि 22,400 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए, ऑलमोस्ट हमें 1,60,000 के आसपास यहाँ पर पुट राइटर देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो 22,500 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करने वाला है निफ्टी के लिए, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 1,40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट देखने मिल रहे हैं, पर अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद 22,600 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है निफ्टी के लिए। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ओआई चेंज के बारे में बताने वाला हूं, तो ओआई चेंजेस की अगर हम बात करें तो हमें पुट साइड उतने ओआई चेंजेस होते हुए देखने नहीं मिल रहे, मतलब कॉल साइड जो हमें ज्यादा ओआई चेंज होते हुए देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से कल के दिन एक बड़ा इंपल्सिव मूव हमें देखने मिल सकता है और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है, पर कल क्या होगा वो कल ही मालूम पड़ेगा हमें। उसके बाद अगर हम बात कर ले FII और DII की, तो कल का डेटा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कल 5 तारीख का डेटा दिखा रहा हूँ, एक बड़ी सेलिंग हमें देखने मिली थी FII और DII की, ऑलमोस्ट 16,270 करोड़ की हमें सेलिंग देखने मिली थी ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी मिडकैप को मिलाकर हमें 16,270 करोड़ की सेलिंग देखने मिली थी FII और DII की तरफ से, जिसके वजह से आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम बना है, ऐसा बनना तो नहीं चाहिए था पर फिर भी एक अच्छा मोमेंटम बन गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो भी एनालिसिस आप लोग को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।